कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी यूपी की 3 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रियंका गांधी शनिवार सुबह लखीमपुर खीरी पहुंची। प्रियंका गांधी ने यहां उन महिलाओं से मुलाकात की जिनके साथ पंचायत चुनाव के दौरान अभद्रता हुई थी। दरअसल ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जिले के पसगवा में रहने वाली अनिता यादव के साथ बदसलूकी हुई थी। सपा उम्मीदवार रितु सिंह ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन करने दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उनकी महिला प्रवक्ता की साड़ी खींचने की कोशिश भी की थी। इस घटना के बाद संबंधित क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी, पसगवा थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, एक निरीक्षक और 3 उपनिरीक्षकों समेत कुल 6 पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। कि आप नामांकन पत्र फाड़ें और किसी को मारपीट करके बाहर निकाल दें, उनको दिख रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि इसको ठीक करें, दुरुस्त करें और यहाँ पे जो चुनाव होना चाहिए था वो चुनाव हो। और ऐसा ही प्रियंका जी, हर जगह ऐसा होना चाहिए। जहाँ पे भी ये ऐसी चीज हुई है, चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए और दोबारा से चुनाव होना। योगी सरकार पर निशाना। इससे पहले लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा कराई गई, पुलिस का प्रशासन ने उम्मीदवार को अपहरण किया, नामांकन करने जा रहे उम्मीदवारों को पुलिस से उठा कर ले गई, नामांकन पत्रों को फाड़ दिया गया, यहां तक कि महिला उम्मीदवारों को भी मारा पीटा गया। प्रशासन वोट के लिए लोगों को धमकी देता रहा। योगी सरकार लोकतंत्र की हत्या के लिए पुलिस प्रशासन समेत हर चीज का इस्तेमाल कर रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।